दोस्तों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत आज के नए व्लॉग पे। अभी नहा धो के रेडी और अभी लगभग बज रहे हैं 7:15 और अब चलते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए और फिर चलेंगे आज मैसूर की जो साइट सीन है जो मैसूर देखने के लिए। दोस्तों देख लीजिए आज का ब्रेकफास्ट आ चुका है और वही जो चाव भात मैंने कल वाला ऑर्डर किया था वही है आज का आज सेम। और अभी ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बैठा है हम लोग। अभी जो गेस्ट है उनकी होटल पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों गेस्ट आ चुके हैं तो दोस्तों अब रवाना हो चुके हैं यहाँ से सीधा मैसूर साइट सीन के लिए। दोस्तों जैसे पहुंच चुके हैं यहाँ पे साउथ इंडिया की कितनी बस होती है, जो कितनी रंगी हुई बस है देख लीजिए। अब मेरे बैक साइड में आप देख रहे हो ये महिषासुर के स्टेच्यू, क्यों इस साइड में जो चामुंडा हिल्स है बेंगलोर मैसूर में यहाँ पे, तो चामुंडा हिल्स में ये महिषासुर का स्टेच्यू यहाँ पे बना हुआ है। ये देख लीजिए है चामुंडा हिल्स, माँ चामुंडा का मंदिर। अभी देख लीजिए सेरेमनी यहाँ पे चल रही है माँ भवानी की। तो अभी देख लीजिए माँ चामुंडा की मूर्ति है और जिस माँ चामुंडा की मूर्ति जो बाहर लेके आ गया है और बिल्कुल आप शेर देखिए, शेर पे इसको बैठाया गया है और पंडित वगैरह सब आगे साथ ही तरफ चल रहे हैं और म्यूजिशियंस भी है जो बिल्कुल आपके आगे की तरफ है। और अभी ये देखिए इसको चारों और मंदिर चारों चक्कर लगाएंगे, जो साउथ इंडिया में जो एक रिचुअल्स होती है मोस्टली वो वाले रिचुअल्स है। और ये आप देख लीजिए यहाँ का मेन गेट, अभी इसको कलर पेंट किया गया है। तो ये देख लीजिए अभी सभी जो म्यूजिशियंस आगे आगे चल रहे हैं इसमें। और ये देख लीजिए पीछे की तरफ माता की मूर्ति आ गई है। तो देख लीजिए जितने में सभी गेस्ट हैं ये सभी लोग यहाँ पे मोली बनवा रहे हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों सभी जितने भी गेस्ट वगैरह हैं सभी मोली जो रक्षा कवच होता है रक्षा सूत्र वाले बनवा रहे हैं इनसे। और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर, देख लीजिए जितने भी लाइन्स है ये पूरी सब हम क्रॉस करके आए हैं जिस बैक साइड से और गेस्ट आगे की तरफ है। अब चल रहे हैं भगवान माँ भवानी के दर्शन करने के लिए। चामुंडा देवी का मंदिर देख के हम वापस अभी यहाँ से रवाना हो चुके हैं मैसूर पैलेस के लिए। तो दोस्तों जैसे अभी पहुंचूंगा मैसूर पैलेस का जो पीछे आप गेट देख रहे हो यहाँ पे और गेस्ट वगैरह सब उतर गए हैं, अब चल रहे हैं अंदर की तरफ। दोस्तों ये देख लीजिए पैलेस का व्यू बाहर से, तो अब चलते हैं इसे अंदर से देखने के लिए। हम पहुंच चुके हैं ये मैसूर पैलेस के अंदर है यहाँ पे। तो ये आप देख लीजिए ये शादी का मंडप उस समय का, ये पहले लकड़ी का हुआ करता था, इसके बाद में इसको लोहे का बनाया गया और ये ऑक्टोगोनल जो शेप है उसके अंदर इसको बनाया गया है। मैसूर पैलेस के अंदर ये है पेंटिंग गैलरी जहाँ पे सभी राजाओं की फोटो वगैरह है। यहाँ के राजा जो रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी उनकी जो बॉक्सेज जो लेटर बॉक्स हो या गिफ्ट बॉक्स है वो इन्हीं में आते थे जो चांदी के लकड़ी के सभी के बने हुए हैं। उस वक्त ये कुश्ती का अखाड़ा हुआ करता था यहाँ पे, कुश्ती का औदा और यहाँ पर पूरा कलेक्शन है इनके पास में और अभी भी इसको यूज लेते हैं। माँ चामुंडा की मूर्ति इस पर बिठा के फिर इसको शहर के चारों चक्कर लगाते हैं। 80 किलो सोना इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों ये देख रहे हो ये है क्या यहाँ का पब्लिक हॉल, उस वक्त का दीवाने आम हुआ करता था और ये बिल्कुल आप सामने की तरफ देख रहे हो ये खाली जगह जहाँ पे लोगों के लिए बैठने के लिए जगह हुआ करती थी। और मैसूर पैलेस के अभी अंदर है दीवाने आम और ये आप अंदर से देख लीजिए उस वक्त दीवाने आम कितना सुंदर दीवाने आम था। सबसे अभी तक जितने भी हमने किले वगैरह देखे उनमें सबसे सुंदर दीवाने आम यही है। तो अभी देख लीजिए उस वक्त का हुआ करता था दीवाने खास। तो दोस्तों जैसे भी मैसूर पैलेस देख के हम लोग बाहर निकल चुके हैं। ये आप देख लीजिए जैसे मैं पहले से बाहर निकला और आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। सभी मैसूर में जो पेड़ है लगभग सभी पेड़ बहुत साइज है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है और चारों ओर से बहुत साफ सुथरा शहर है, बहुत हरा भरा है ये वाला। तो ये तो दोस्तों जैसे भी मैं खड़ा हूँ मैसूर पैलेस के बिल्कुल सामने और देख लीजिए इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे गार्डन लगा रखा है। मैसूर पैलेस एक्चुअली अभी हाफ जो पार्ट है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है और जो हाफ पार्ट है वो अभी प्राइवेट पार्ट है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन डेट है वो 1897 से लेकर 1912 की है, क्यों पहले यहाँ पे एक लकड़ी का पैलेस हुआ करता था जो जल गया था और उसके बाद में इस वाले पैलेस का यहाँ पे इन्होंने निर्माण किया था। You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright.
So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way, no one's gonna leave you brokenhearted. You don't need nobody else, everyone knows you're doing well, so well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give them warning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away. Away, yeah, yeah. Just one look in your eyes and I know I found who I'm looking for. It's the way that you smile. तो दोस्तों, जैसे मेरे बैक साइड में आप देख रहे हो मैसूर पैलेस, ये 1897 से 1912 का पैलेस बना हुआ है। और इससे पहले यहाँ पे लकड़ी का जो पैलेस हुआ करता था वो था, लेकिन शादी थी यहाँ पे प्रिंसेस की, तो उसमें ये जल गया था और उसके बाद में इस पैलेस को निर्माण इसमें किया गया था। और इस साइड जो आप देख रहे हो ये इसका दूसरा गेट है, यहाँ पे तीन गेट है एंट्री करने के लिए, और ये चारों ओर इसकी बाउंड्री वॉल। और जस्ट इस साइड में अगर आप जो गेट देख रहे हो बिल्कुल मेरे जैसे बैक साइड में, ये उस वक्त रॉयल गेट जो मेन सिटी जो रॉयल राजा महाराजाओं के लिए ये वाला गेट ही इसके अंदर हुआ करता था। और अभी पैलेस के अंदर लगभग आप ये देख लीजिए, जो हाफ पार्ट है वो रॉयल फैमिली के अंडर में आता है और हाफ पार्ट है जो अभी जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसके अंडर में आता है, जो एज म्यूजियम में कन्वर्ट है, जो अभी मैं जस्ट विजिट करके आया हूँ। मैसूर पैलेस वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेस इन साउथ इंडिया। और सबसे अच्छी बात इस पैलेस की है कि बहुत अच्छी तरीके से अभी ये मेंटेन है, बहुत अच्छी ये है मैसूर पैलेस जो वड़िया डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसे भी मैं पहुंच चुका हूँ रेस्टोरेंट पे लंच करने के लिए और मनोज जी हम दोनों साथ में हैं। तो देखिए, टिपिकल जो साउथ इंडियन थाली वो आ चुकी है, इसमें फूड्स में पहुंच चुका हूँ यहाँ पे टिप्पू सुल्तान का जो समर पैलेस है श्रीरंगपटनम में यहाँ पे। और मेरे बैक साइड में आप देख रहे हो ये टिप्पू सुल्तान समर पैलेस, जो उस वक्त जो कावेरी नदी है उसके पास में था, और कावेरी नदी के बीच में ही जो श्रीरंगपटनम सिटी है वो बसा हुआ है। और ये टोटल जो गार्डन है यहाँ का लगभग ये 80 हेक्टर में, ये 80 एकड़ में पूरा यहाँ का ये गार्डन ये फैला हुआ है। और अब जो फोर्ट है उसमें तो ऐसा कुछ खास देखने के लिए है नहीं, लेकिन जो श्रीरंगपटनम पहले से ये पूरा वुड का बना हुआ है, और इसके अंदर लगभग अभी 3 शताब्दी पूर्व की जितने भी इसमें 3 सेंचुरी पूर्व की जितने भी इसमें पेंटिंग्स है वो सब इसके अंदर है। तो अब चलते हैं टिपू सुल्तान का समर पैलेस देखने के लिए। टिपू सुल्तान जो समर पैलेस है वहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, और ये टिपू सुल्तान लकड़ी का महल बना हुआ था जो 18वीं शताब्दी का है, और पेंटिंग्स चारों दे रहे हैं उसी शताब्दी पर। 2010 में कुछ पेंटिंग्स को वापस इन्होंने रिनोवेट किया था। Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way, no one's gonna leave you brokenhearted. तो दोस्तों, जैसे अभी हमने जो टिपू सुल्तान का समर पैलेस है वो विजिट कर लिया है, समर पैलेस है वो देख के रवाना हो चुके हैं यहाँ से, और थोड़ा सा राउंड लेंगे जो यहाँ का फोर्ट है वहाँ पे, और फिर यहाँ से लेंगे वापस सीधा मैसूर। तो दोस्तों, जैसे भी जो मेरे गेस्ट थे उनको उनकी होटल में भी ड्रॉप कर दिया है, और अभी यहाँ से मैं रवाना हो रहा हूँ मेरी होटल जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और लगभग अभी बज रहे हैं देख लो 6:15, तो आज की जो हमारी मैसूर की साइट सीन है वो भी कंप्लीट हो गई है, और अब चलता हूँ जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। करते हैं आज का डिनर, और आज दिन में पराठा और मिक्स वेज अभी मंगाई है मैंने। तो दोस्तों, अब जाके एडिटिंग कंप्लीट हुई है, और करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो व्लॉग पसंद आए तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल दी वीडियोस। इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।